मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 5 वर्षों में राज्य में सिर्फ विकास के काम किए हैं और आज कानून व्यवस्था की वजह से जनता में विश्वास पैदा हुआ है। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही एक बार फिर से भाजपा यहां से 300 पार के संकल्प के साथ प्रदेश आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब पिछड़े दलित लोगों को जीवन को ऊपर लाने का काम ही करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना सकती है। आज गोरखपुर में आए हुए नागरिकों के माध्यम से मैं समग्र उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से एक बार इसी मन से हमने 300 पार का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया और देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया,